तैनात है। ड्रोन कैमरे की मदद से वहां पर नजर रखी जा रही है प्रदर्शनकारियों पर। आजादी आजादी के लोग जामा मस्जिद के बाहर नारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी हो रही है। और देखिए जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए उसको देखते हुए देखिए ड्रोन की मदद से वहां पर पुलिस निगरानी है। ये ड्रोन आपको दिखा रहे हैं भारत समाचार में कि ड्रोन की मदद से वहां पर जो प्रदर्शनकारी है वो हिंसक ना हो पाए, इसी वजह से ड्रोन की मदद से वहां पर निगरानी बराबर रखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, जामा मस्जिद के बाहर जो प्रदर्शन है वो अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है वो अभी तक उग्र नहीं हुआ है, वहां पर लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं CAA को लेकर, NRC को लेकर, और हाथों में उनके तिरंगा आप देख पा रहे हैं। रवि सर्राफ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, रवि का रुख करते हैं। रवि, अभी ताजा अपडेट क्या है, कैसी स्थिति वहां पर जामा मस्जिद के बाहर, कैसे प्रदर्शनकारी वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं? जी बिल्कुल शिवांगी, देखिए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार वहाँ पे प्रदर्शनकारी जो हैं डटे हुए जामा मस्जिद के बाहर और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में, और आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कपड़े उतार कर भी अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। तो ये कहा जाए कि लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की ये कोशिश है प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा जाए, पुलिस की तरफ से लगातार ही बात कही जा रही है कि यहाँ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, आप लोग अपने घर अपने काम पर वापस चले जाएं। पर जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वहाँ पर डटे हुए, कुछ लोग बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े खड़े नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहा जाए कि पुलिस की लगातार ये कोशिश कर रही है लोगों को वहाँ से तितर बितर किया जाए, पर लोग वहीं पर इकट्ठा है, वो घर अपने जाने को तैयार नहीं है, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। रवि ये बताइए, कहा जा रहा था कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे, ये दरियागंज गेट की तरफ रुख कर रहे थे? देखिए कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो कि दिल्ली गेट दरियागंज की तरफ रुख कर रहे हैं, पर ज्यादातर की अगर बात करें तो अभी भी जामा मस्जिद के पास सभी प्रदर्शनकारी वहाँ पे इकट्ठा है, वहीं से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बात कही गई थी कि जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकालेंगे, पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी मार्च करने की। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा गया था कि वो मार्च करना चाहते हैं, संविधान की कॉपी को लेकर जंतर मंतर तक मार्च करना चाहते हैं, पर अनुमति पुलिस ने नहीं दी थी। उसके बावजूद पुलिस की अनुमति नहीं थी रवि कि जंतर मंतर तक ये मार्च निकाला जाए, क्योंकि रवि अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ना उसमें जो ये प्रदर्शनकारी हैं ये हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं गांधी जी की, इनके हाथों में फोटो भी हमने देखी वो भी इनके हाथों में हमें नजर आई, तो क्या कहीं ना कहीं ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है? देखिए कोशिश तो ये है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, पुलिस की भी ये कोशिश है। हालांकि जब 1 बजे से पहले की अगर बात करें कि जुम्मे की नमाज हुई थी उससे पहले जब प्रदर्शनकारी या कहा जाए नमाज पढ़ने जो लोग आए थे वो पुलिस को भी गुलाब का फूल दे रहे थे हाथों में, तो ये कहा जाए शांति के प्रदर्शन करने की तरीके, ये एक कहा जाए कि शांति के प्रदर्शन करना चाहते हैं, पर अभी लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, गृह मंत्री के जी मतलब फिर अभी हम कहें कि वहाँ पर जो स्थिति है वो बेकाबू नहीं हो पाई है, लोग शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि क्या वहाँ पर जो पुलिस तैनात है कितने दायरे में पुलिस को तैनात किया गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर पुलिस ज्यादा पास जाएगी प्रदर्शनकारियों के तो हो सकता है हिंसक हो जाए ये प्रदर्शन? जी देखिए अगर पुलिस के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और जामा मस्जिद के अंदर पुलिस नहीं, जामा मस्जिद के बाहर पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग लगाया गया है, क्योंकि पुलिस ने अलग से व्यवस्था किया था। जामा मस्जिद जितने लोग अंदर जा रहे थे उनकी ID कार्ड चेक की जा रही थी, उसके बाद उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही थी, तो जामा मस्जिद परिसर में पुलिस नहीं है, पुलिस बाहर खड़ी है, अपने व्यवस्था किया गया, और सभी गेट जितने भी जामा मस्जिद के गेट है उसके बाहर पुलिस कर्मी जो है तैनात है, और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करके रखा गया है। नजर बना के रखिएगा, आप वापस आएंगे आपके पास ताजा जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि। तो देखिए अब जामा मस्जिद के पास लोगों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, भारी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, और एहतियातन ड्रोन की मदद से नजर। देखिए अगली बड़ी खबर बहराइच से, बहराइच में माहौल काफी तनावपूर्ण बन चुका है, नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन शुरू हो चुका है बहराइच में, घंटा घर की तरफ